इस वीडियो का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है और इस वीडियो में थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए एडवांस में माजरत। वीडियो को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और दिन भी अच्छे ही चल रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक न्यू कोर्स लेके आ रहा हूँ। न्यू तो नहीं है, खैर आजकल हर एक यूट्यूबर यही कोर्स लेके बैठा हुआ है कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू वेबसाइट बनाकर कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये कोर्स हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल होने वाला है और इसमें वो सब डिस्कवर किया जाएगा जो कि एक पेड कोर्स में बताया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे बंदे हैं जो इस कोर्स के हवाले से बता रहे हैं, तो मैं यही कोर्स क्यों लेके आ रहा हूँ फिर से? तो मैं ये कोर्स जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सहरा रहा है और मैं यूट्यूब पर गया और जब सर्च किया तो मुझे वो चीज़ देखने को नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। तो मकसद बोलने का ये है कि यूट्यूबर जो गाइड करते हैं वो 100% में से 10% ही शायद वो लोग होंगे जो आपको एक मुकम्मल कोर्स दे रहे होंगे। तो ये कोर्स बिल्कुल ही मुकम्मल होने वाला है और बढ़िया होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्स का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले जान लेते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग एक सेल्फ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आप अपना कंटेंट वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए कौन सी नीच बेहतर है और क्या कैटेगरी होनी चाहिए? तो उसके लिए हम गूगल का इस्तेमाल करेंगे। यूनिक होनी चाहिए और उस पर ट्रैफिक भी आना चाहिए। तो हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे, ब्लॉगिंग 2023 नीचेस के, यहाँ पे आपने देख लेना है और आपने यहाँ पे आके अपने हिसाब से एक बेहतर नीच सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा हेल्थ एंड फिटनेस वाली। तो इस नीच को आप एसईओ फ्रेंडली देखने के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही एसईओ फ्रेंडली लेके चलेंगे ब्लॉग को, ताकि हमारे जो है ब्लॉग पे वो ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा हो। तो मैंने सिलेक्ट की है हेल्थ एंड फिटनेस वाली, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इस पर चेक कैसे करें कि हमारे नीच पर ट्रैफिक आएगा या नहीं आएगा? तो उसके लिए आपको जानना है गूगल की कीवर्ड प्लानर पर। यहाँ गूगल पर सर्च करें गूगल कीवर्ड प्लानर, यहाँ पर सर्च करके जो पहला साइट है तो यहाँ पे आपने देख लेना है इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आपने जो नीच सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और ये देखना है कि उस पर ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने जो नीच सेलेक्ट की थी वो थी हेल्थ एंड फिटनेस वाली, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस और उसको कर देता हूँ नेक्स्ट और गेट रिजल्ट पर कर देता हूँ क्लिक। तो ये हमको बता रहेगा कि मेरे कीवर्ड या नीच पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्ड वही चूज़ करना है जिसमें कंपटीशन लो या मीडियम हो और रेवेन्यू ज़्यादा हो और ट्रैफिक भी ज़्यादा हो। तो आ रहा है वो 10 से 1 लाख तक ट्रैफिक आ रहा है, उसमें रेवेन्यू कंपटीशन लो है और रेवेन्यू भी अच्छा ही है, अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। तो मैं यहाँ से देख लूँगा हेल्थ वाली जो है नीच मेरे लिए बेहतर है। नीच सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर लिखने के बाद आपको पहला रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके अपने गूगल अकाउंट के थ्रू साइन इन कर लेना है। जैसे कि मैं एक ऑलरेडी रन कर रहा हूँ तो मैं अपने दूसरे अकाउंट से साइन कर लूँगा, ठीक है। इस पर भी मेरा एक ब्लॉग जो बना हुआ है, तो यहाँ से आपने जाके इधर करना है न्यू ब्लॉग। अब आपने देखना है कि ब्लॉग का टाइटल अपनी नीच के हिसाब से सिलेक्ट करना है जो कि यूनिक होना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो टाइटल लेने के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और चैट जीपीटी को कहेंगे कि वो हमें अपने नीच के हिसाब से 3 से 4 टाइटल सुगेस्ट करे। तो मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो चैट जीपी ने यहाँ पर हमें 4 यूनिक और अच्छे अच्छे टाइटल निकाल के दे दिए हैं। तो यहाँ से आपने अपने हिसाब से एक टाइटल सेलेक्ट कर लेना है और टाइटल जो है वो 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का और यूनिक हो। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 को सिलेक्ट कर लूँगा वेलनेस वंडर्स, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम अपने ब्लॉगर पर जाएँगे और वहाँ पर जाके इसको कर देंगे पेस्ट। तो हम अपने ब्लॉगर पे आ चुके हैं और यहाँ हम अपना टाइटल पेस्ट करेंगे जो कि हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया है।
टाइटल पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट हम को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब ये वो एड्रेस है जो कि आपका सब डोमेन के तौर पर काम करेगा, और ये भी याद रखें कि ये जो एड्रेस है ये भी यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे आके हमने अपना एड्रेस लिख लेना है और चेक करना है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं, ये अवेलेबल नहीं है तो हम इसके आगे एक रैंडम सा नंबर देंगे, ये भी अवेलेबल नहीं है, फिर से चेक करेंगे ये नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर से कोई और रैंडम नंबर चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं तो ये अवेलेबल है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे सेव। तो इतने तक हमारा काम ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट काम है वो हमने करना है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। तो वो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाके आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेनी है, जो भाई डिस्क्रिप्शन खुद ही से लिख सकते हैं तो वो अपने कंटेंट के हिसाब से 150 या 200 वर्ड की करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिख दें, और जो नहीं लिख सकते तो उन भाइयों के लिए चैट जीपीटी है, वहाँ से जाके अपने नीच के हिसाब से डिस्क्रिप्शन ले लें। तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आपने अपने ब्लॉगर पे जाके वहाँ पे पेस्ट कर देनी है और उसको कर देना है सेव। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ भी एडवांस लेवल नहीं था, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके और एक अदद रिपोर्ट मार के जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।